मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एक सॉकेट नाम का आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाता है, कहता है कि मेरी बेटी काफी टाइम से लौटी नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ यह ट्रिप पर आई थी। 6 हफ्तों से उसका कॉल नहीं लग रहा है, ना ही कोई कॉल आया है। पुलिस वाला कहता है कि यह ऐसा ही होता रहता है। तभी वो एक होटल में पूछताछ करने चला जाता है। तभी वहाँ एक टीम नाम का आदमी मिलता है। उसे वो पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। तब वो बताता है कि मैं अपनी बेटी जैन और उसके दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ। वो सभी एक ही उम्र के हैं। क्या आपने उन्हें देखा है? तब वो आदमी बताता है कि मैंने सबको नॉर्थ की तरफ जाते हुए देखा है, लेकिन अगर वो जंगल में गए होंगे तो वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तभी सॉकेट वहाँ से चला जाता है। थोड़ी 6 हफ्ते पहले कहते हैं कि 6 हफ्ते पहले क्या हुआ था। सॉकेट की बेटी जैन और उसके दोस्त कार में ट्रिप पर जा रहे होते हैं कि रास्ते में कार जो है पंचर हो जाती है। फिर जैन टायर चेंज कर देती है। वो बताती है कि मेरे डैड ने मुझे सिखाया है। वो लोग कार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तभी वो लोग एक होटल के रूम में जाकर रेस्ट करते हैं और जंगल में जाने का प्लान बनाते हैं। तभी टीम नाम का आदमी कहता है जंगल में बहुत सारे भालू हैं, तुम मत जाओ। पर वो लोग नहीं मानते। टीम कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ कोई जरूरत हो तो मेरा आदमी वहाँ तुम्हारी मदद कर देगा। अगले दिन सुबह जंगल की ओर निकल जाते हैं और वहाँ खूब मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। सभी लोग जो है भागने लगते हैं। तभी उनके ऊपर एक पेड़ गिरने वाला होता है। तभी बचने के चक्कर में नीचे गिर जाते हैं। उन्हें बहुत बुरी तरह चोट आती है और लूस के भाई गैरी की पेड़ के नीचे आने से मौत हो जाती है। लुइस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने दोस्तों से लड़ने लगता है और सभी दोस्त भी उसको शांत कराते हैं। और रात हो जाती है, बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी सभी वहाँ टेंट लगाकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह मिला और उसकी फ्रेंड गायब होती है और उन सबके फोन भी। जैन बताती है कि उसने कल रात किसी को देखा था जो कि लगता है कि फोन ले गया है। वो लोग मिला को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी एडम को सफेद कपड़े पहने एक बच्ची दिखाई देती है। वो उसके पीछे भागता है। वो एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ एक कोबरा सांप बैठा होता है जिस कारण वो उसे वहाँ से निकाल नहीं पाते। वो लोग एक डंडी में एक शर्ट बांध कर वहाँ एक झंडा निशानी के तौर पर लगा जाते हैं। तभी वो एक घर में पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे मोबाइल और बैग्स होते हैं और इंसानों का गोश्त होता है। वो लोग डर के भाग जाते हैं। तभी वो लोग दो शिकारियों को एडम को ले जाते हुए देखते हैं। वो लोग एडम को बचाने जाते हैं। वो उन शिकारियों से मीला के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी एडम उठकर एक शिकारी को जान से मार देता है और दूसरा शिकारी जो है भाग जाता है। मीला भी वहाँ आ जाती है। सभी मीला से पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी। वो कहती है कि मैं वॉशरूम ढूंढने गई थी, जब आई तो तुम लोग नहीं थे वहाँ। तभी सब लोग कहते हैं कि चलो शहर वापस चलते हैं और जाने लगते हैं। तभी कुछ शिकारी आकर उन पर हमला करते हैं। वो सब डर के भाग रहे होते हैं। भागते भागते मीला एक गड्ढे में गिर जाती है और उसे काफी चोट लगती है। एडम उसे उसी गड्ढे से छोड़कर चला जाता है। शिकारी लोग आकर मीरा को मार देते हैं और बाकी सभी को बंदी बनाकर ले जाते हैं। वो एक डरावनी जगह आ जाते हैं। तभी उन सब शिकारियों का राजा वहाँ आ जाता है। कहता है कि तुम इस समय कोर्ट में हो, तुम सब पर मुकदमा दर्ज है। तुम सब ने हमारे बंदों के खून किए हैं। जो झूठ बोलेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। तभी एडम बचने की कोशिश करता है। वो छोटी बच्ची को चाकू दिखाता है। वो छोटी बच्ची को चाकू दिखाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो शिकारी उसे पकड़ लेते हैं और उसके फेस पर डंडा मारकर उसे मार देते हैं और बाकियों को अंधा बनाकर उन्हें कार कोठरी में बंद करने की सजा सुनाई जाती है। लुइस को अंधा बनाकर उसे कार कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तभी जैन और उसका फ्रेंड राजा से कहते हैं, हमारे पास तुम्हारे लिए ऑफर है, तुम हमें मत मारो, हम यही तुम्हारे राज्य में रह कर तुम्हारी सेवा करेंगे। वह जंगल का राजा जैन और उसके दोस्त को गुलाम बना लेता है। उधर जैन का बाप अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। उसे रास्ते में टीम मिलता है जो उसे मना करता है जंगल में जाने से और उसे खूब पीटता है। अगले ही दिन जैन का बाप उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर निकल जाता है। वो कुछ लोगों की मदद लेकर जंगल में चला जाता है जहाँ वो लोग उन शिकारियों के जाल में फंस कर मर जाती है। सॉकेट अकेला ही अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है।
तभी कुछ शिकारी आकर उनके सिर पर मार कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वह उसके बेटी आकर अपने ही बाप को तीर मार कर घायल कर देती है। तभी सॉकेट कहता है कि ये मेरी बेटी जैन है। वहाँ का राजा कहता है कि ये तुम्हारी बेटी जैन नहीं, मेरी पत्नी है। वो उसके बाप को बंदी बना कर ले जाते हैं। आधी रात होने पर जैन अपने बाप के पास पहुंच जाती है और उन्हें बचाने की कोशिश करती है। एक खुफिया दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर डोर लॉक होता है। तभी वहाँ वो छोटी बच्ची आती है और उन्हें चाबी देती है और वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ आकर शिकारी उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग उन सब से बचते और सबको मारते हुए भाग रहे होते हैं। तभी वो टीम नाम का आदमी उन्हें बचाने वहाँ पहुँच जाता है। वो कहता है कि मेरा भतीजा भी यहाँ 6 साल पहले आया था जिसकी बॉडी भी नहीं मिली, इसलिए तुम्हारे बाप को मैं रोक रहा था। तभी शिकारी आकर उन सब पर अटैक कर देते हैं। जैन वहाँ घायल हो जाती है। उसका बाप उसे ले जाता है। वो सब उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ महीनों बाद वो शैतान जंगल का राजा जैन के घर पहुंच जाता है। जैन को उसके साथ चलने के लिए कहता है। जैन के घर वाले पास होने के कारण वो उससे कुछ नहीं कहती और उसके साथ चल देती है। वो लोग एक गाड़ी में जा रहे होते हैं। जैन उसे मार कर गाड़ी से भाग जाती है। यही पर मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आप ऐसी ही हॉरर मूवी की एक्सप्लेन हिंदी में देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करें।